हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक राजा और उनकी तीन बेटियाँ। बच्चों एक बार की बात है, कहीं दूर के एक राज्य में एक राजा और उसकी तीन बेटियाँ रहती थी। वे तीनों बहुत सुंदर और अच्छी लड़कियाँ थी। एक दिन राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें बुलाया। राजा ये जानना चाहता था कि वह तीनों उससे कितना प्यार करती है। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। राजा ने अपनी तीनों बेटियों से प्रश्न पूछा कि आप सब मुझे कितना प्यार करती, क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने का वादा करती हो? पहली राजकुमारी बोली, हम वादा करते हैं पिताजी। राजा ने फिर पूछा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? पहली बेटी ने बताते हुए कहा कि वह अपने पिता से इतना प्यार करती है जितना लोग हीरे और मोतियों से करते हैं। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, ये बहुत सुंदर उत्तर है आपका। अब दूसरी बेटी ने यही प्रश्न का उत्तर दिया, पिताजी मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना लोग सोने चांदी से करते हैं। राजा ने कहा, अद्भुत बेटा। अब राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी तीसरी और सबसे छोटी बेटी को यही सवाल पूछा। तीसरी बेटी ने कहा, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ पिताजी जितना लोग नमक को करते हैं। राजा हैरान होकर चौंक गया और दोबारा उसका उत्तर सुनना चाहा कि शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। तीसरी बेटी ने फिर से वही उत्तर दिया। राजे ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहनें मुझे हीरे सोने जितना प्यार करती है और तुम नमक के समान मुझे प्यार करती हो। इस राज दरबार को छोड़कर तुम अभी चली जाओ और फिर कभी मेरे दरबार में तुम वापस मत आना। ये बात सुनकर राजकुमारी दौड़कर एक जंगल में चली गई। जब वह बहुत थक गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने सुंदर राजकुमारी को देखा और उसे अपने साथ दरबार में ले गया। राजकुमार ने उससे शादी करने के लिए कहा। राजकुमारी ने कहा, मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब मेरे पिताजी शादी में आए। दुख की बात जी है कि मेरे पिताजी मेरे से नाराज है और मुझे कहा है कि मैं दरबार में कभी ना आऊं। राजकुमार ने कहा, हम उन्हें आमंत्रित भेजकर बुला लेंगे और सबक भी सिखा देंगे। राजकुमार ने आमंत्रित पत्र में ये नहीं लिखा कि वह उसकी छोटी बेटी से शादी करने जा रहा है। शादी के दिन राजा के सामने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रखा गया। जब राजा ने भोजन खाया तो चिल्लाकर बोला, इसमें नमक नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। फिर उन्हें एक लड़की ने घूंघट में आकर नमक दिया और कहा, ले लीजिए मेरे राजा, मुझे उम्मीद है भोजन अब बहुत स्वादिष्ट होगा। राजा ने अपनी बेटी की आवाज़ पहचान ली और उसे गले लगा लिया। उसे समझ आ गई कि राजकुमार और राजकुमारी उसे क्या सिखाना चाहते थे। राजा ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर राजकुमारी से माफ़ी मांगी। राजकुमारी ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि अब मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। शिक्षा जैसे हीरे सोने की महत्ता है, वैसे ही नमक की भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्ता है।